मिस्टर अर्जुन, 5 साल पहले आप पे जो आरोप लगा था। एक मिनट, 5 साल पहले आप और मैं हम लोग इसी तरह एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे और उस वक्त आपने मुझे बोलने तक नहीं दिया था। एक मौका तो कानून भी देती है, लेकिन आप लोगों ने सीधा मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। वो क्या कहते हैं, जो काम कभी कभी पुलिस के हाथ में नहीं होता वो काम एक जर्नलिस्ट कर देता है। काश आप लोगों ने मेरे सच को जानने की कोशिश की होती, थोड़ी छानबीन की होती, मुझे मौका दिया होता। खैर, तब नहीं दिया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन आज मुझे मौका दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अर्जुन, बात को इतना घुमा क्यों रहा है? जो बोलने को कहा गया सीधे सीधे कह क्यों नहीं देता? 5 साल पहले सारे के सारे सबूत आपके खिलाफ थे, आप ड्रग्स लेते थे, वो इंक्वायरी कमीशन के रिपोर्ट से प्रूफ हो चुका था। सो दैट वाज सिंपली एन ओपन एंड शट केस। और सर, हम आज यहाँ पे आए हैं सब सच सुनने और देखने के लिए। बताइए, क्या प्रूफ है आपके पास आपके बेगुनाही की? बताऊंगा, सब बताऊंगा। आप लोगों को बताने के लिए तो बुलाया है। एक्चुअली करण जैसे लोगों को सामने लाना बहुत जरूरी है। मेरे जैसे मासूमों का करियर उसने काफी बर्बाद किया है और हम सब जानते हैं, पर इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत पावरफुल है। और इसी पावर से उसने कईयों का करियर बनाया भी है और बर्बाद भी किया है। चल क्या रहा है इसके दिमाग में? करण माथुर, माय फ्रेंड, आई विश तू अपना पक्ष लेने के लिए इस वक्त यहां मौजूद होता, पर कोई बात नहीं। आई नो, तू अभी स्क्रीन के सामने ये सब कुछ देख रहा होगा। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस शो। प्रूफ कहाँ है मिस्टर अर्जुन? प्रूफ? प्रूफ नहीं है। क्या? क्या प्रूफ नहीं, नहीं है? हाँ, इस वक्त मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। क्या प्रूफ नहीं है? प्रूफ नहीं, नहीं है, प्रूफ नहीं है। I knew it। इस बार तू मुझसे पंगा नहीं लेगा अर्जुन। प्रूफ नहीं है का मतलब क्या है मिस्टर अर्जुन? क्या कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? जब आपके पास कोई प्रूफ था ही नहीं तो हमें यहाँ पे बुला के हमारा टाइम वेस्ट करने का क्या जरूरत था? ये अर्जुन क्या कर रहा है? मैंने इसे मना किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन फिर भी अब तक तो तुम अपने हर प्लान के बारे में मुझे बताते थे। क्या चल रहा है इसके दिमाग में? दिया, कुछ ने तुम्हें कहा है ना कि अर्जुन ने तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें कुछ नहीं बताया है? क्या मजाक चल रहा है मिस्टर अर्जुन? बड़े बड़े मीडिया हाउस के जर्नलिस्ट हैं हम, बाकी सारे खबरें छोड़कर आपके लिए यहाँ पे आए थे। और पता है क्या, उस दिन जब धरने में आप अपने बेगुनाही का दावा कर रहे थे ना, हम सबको लगा था कि आपको कम से कम एक मौका देना चाहिए। बट यू नो व्हाट, यू डोंट डिजर्व इट। एक्चुअली मिस्टर अग्रवाल, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बस आपके लिए पब्लिसिटी स्टंट था। एंड आई एम सॉरी, 5 साल पहले आप पर जो ड्रग्स देने का आरोप लगा था ना, वो आप पे ही रहेगा। एग्जैक्टली। ओके गाइस, चलिए गेट अप, ड्रामा खत्म। यस।